लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, उसको क्या कहा जाता है? वेटरन, बिल्कुल सही है। और वर्ड्स रिटेन ऑन अ, वर्ड्स रिटेन ऑन ए टोम्ब, उसको क्या कहा जाता है? एपिटाफ कहा जाता है, बिल्कुल सही है। तीसरा है स्टीलथली डन, जो चोरी चुपके कोई कार्य किया जाए उसको क्या कहते हैं? सरेप्टिशस, बिल्कुल सही है, करेक्ट है, ऑप्शन सी। और समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, ऑब्सोलेट, ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑब्सोलेट। और वन हु इज नॉट कंसर्न्ड विद राइट और रॉन्ग, नहीं, इमोरल तो अनैतिक हो जाएगा, अमोरल, अमोरल। नेक्स्ट है अ स्टाइल इन विच वन मेक्स अ डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज, एक ऐसी शैली जो व्यक्ति अपने थोथले ज्ञान का प्रदर्शन करता है, उसे व्यक्ति को पेडांटिक कहा जाता है, ऑप्शन ए। एक्सट्रीमली ओल्ड एज व्हेन ए मैन बिहेव्स लाइक अ फूल, ये पहले भी आ चुका है। हाँ जी बोले, सेनिलिटी सही है। और आठवां है कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट एंड प्रेसिडेंस, कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट। हाँ जी, इसमें देखिए सुपर एनुएशन, आप अपना पहले क्वेश्चन क्लियर करें। अच्छा, सुपर एनुएशन बीच में ना बोले, सुपर एनुएशन और सेनिलिटी। सेनिलिटी वास्तव में पागल तो नहीं होता है, लेकिन ऐसा आचरण करता है जैसे कि वो बेवकूफी भरा हो। और सुपर एनुएशन वास्तव में, हाँ जी हाँ, वो सही कह रहे हैं, गांव की भाषा में जिसको सठिया जाना। और सुपर एनुएशन वास्तव में वो पागल नहीं होता है, लेकिन एक पागलपन जैसा आचरण करता है। नहीं, ये कैसे हो गए? एक तो जो है जानबूझ करके कर रहा है, और दूसरा स्वाभाविक रूप से कर रहा है। स्वाभाविक रूप से मतलब सुपर एनुएशन में वो जो है जानबूझ करके इंपोस्टरिंग कर रहा है, ठीक है। और वो उम्र के साथ जो मूर्खतापूर्ण आचरण है, ये स्वाभाविक होता है, उसमें कोई इंपोस्टरिंग नहीं होती। चलो जी, कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट एंड प्रेसिडेंस, जिसको क्या कहा जाता है? नहीं, स्टेट्समैनशिप कहते हैं कूटनीतिज्ञ को या राजनीतिज्ञता को, और इसको प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या जी? प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी। अ ड्राइंग ऑन ट्रांसपेरेंट पेपर, नहीं, किसी ट्रांसपेरेंट पेपर पर जो ड्राइंग बनाई जाती है उसको ट्रांसपेरेंसी कहा जाता है। बुढ़िया, रेड प्रिंट नेगेटिव और ब्लू प्रिंट नहीं होता है। वो नेगेटिव, जब आप पहले फोटो खिंचवाते थे तो नेगेटिव होता था, फिर उसको डार्क रूम में ले जा करके डेवलप करते थे, तो वो नेगेटिव। ब्लू प्रिंट कहते हैं बहुत किसी भी चीज़ को बहुत नट सेल में कैद कर लेना, ठीक है। और रेड प्रिंट जो है वो सरकारी कागजातों के लिए है। और मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिसीज, जिसको क्या कहा जाता है? डर्मेटोलॉजी, बिल्कुल सही है। अ पर्सन हु पजेसेस वार, हु अपोजेस वार आर यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स,
एक ऐसा व्यक्ति जो सैन्य ताकत अथवा युद्ध का विरोधी हो, वैसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? हाँ, पैसिफिस्ट, बिल्कुल सही है। और जहां तक फिलेटलिस्ट की बात है, जो प्रेमी होता है टिकट का, टिकट कलेक्शन का, फासिस्ट वास्तव में वो सैन्य ताकत का पक्षधर होता है। और नार्सिसिस्ट, जो खुद अपने ही रूप के ऊपर मोहित हो, उसको नार्सिस्ट कहते हैं। और सिवियरली अब्यूसिव राइटिंग इन जर्नल्स, देखिए उसको कहते स्करिलस, बिल्कुल सही है, स्करिलस। 13th है कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर लाइक लॉ एटसेट्रा फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन, इनवोकेशन, जिसको आवाहन कहते हैं। और फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज्ड इन स्मॉल क्लोज्ड स्पेस, बिल्कुल सही। क्लास्ट्रोफोबिया, क्लास्ट्रोफोबिया एक वास्तव एक तरह की फोबिया होती है। आदमी को डर ये लगा रहता है जब बहुत संकुचित जगह में, थोड़ी सी जगह में वो कैद हो जाए। और एगोरोफोबिया, एगोरोफोबिया खुलेपन का डर होता है। और जेनोफोबिया विदेशी लोगों से जो डर होता है, उसको जेनोफोबिया कहते हैं। वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन, पैरानोइया कहते हैं पागलपन को, ठीक है। और वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, जानते हैं आप, उसको एडिक्ट कहते हैं, एडिक्ट। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस क्या होता है? हाँ, ऑप्शन ए करेक्ट है, मास्क है। और जो मास्क है MAS के, वो मुखौटा होता है। और मस्कट बंदूक का नाम है। और मास्क तो जानते ही, जो मस्जिद है, क्या है, मेडिकल स्टडी ऑफ मसल्स एंड बोन्स। ऑप्शन सी आर्थोपेडिक्स, आर्थोपेडिक्स। 18th है वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इटिनरेंट, सही है, बिल्कुल करेक्ट है। और क्योर फॉर ऑल डिसीज, पैनेकिया, पैनेशिया नहीं डियर, थोड़ा सा पैनेकिया कहते हैं। वन हु ईट्स एवरीथिंग, ऑप्शन सी ओमनीवोरस, ओमनी कहते हैं आल को, हाँ जी। और ओमनीसिएंट कहते हैं सर्वज्ञ को, इनसॉल्वेंट कहते हैं दिवालिए को, ओमनीपोटेंट कहते हैं सर्वशक्तिमान को। और स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट ए मॉरल और स्पिरिचुअल ट्रुथ, क्या कहते हैं उसको, पैरेबल कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट, पैराडाइम वास्तव में मिसाल देने को कहते हैं, डिडेक्टिक शिक्षाप्रद है, और पैराग्राम कहते हैं श्रेष्ठ को। 22वां है पेपर रिटन इन वंस ओन हैंड राइटिंग, सभी लोग जानते हैं, बड़ा आसान है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स दी। और वन हु हैड इस, वन हु हैज सडनली गेन्ड न्यू वेल्थ, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको अचानक से धन मिल गया हो, पारवेन्यू सही है, करेक्ट। ऑप्शन डी, टू अपॉइंट ट्रूप एटसेट्रा टू स्प्रेड आउट इन रेडीनेस फॉर बैटल डिप्लॉय, करेक्ट है। ऑफ आउटस्टैंडिंग सिग्निफिकेंस, मॉन्यूमेंटल। और प्रेजेंट अपोजिंग
आर्ग्यूमेंट और एविडेंस, जो प्रेजेंट अपोजिंग आर्ग्यूमेंट और एविडेंस, जिसको रीबट कहा जाता है। ऑप्शन ए रीबट, और थिंग्स दैट कैन नॉट बी फेल्ट आर टच, थिंग्स दैट कैन बी फेल्ट आर टच पल्पेबल, ऑप्शन डी करेक्ट है। और मर्डर ऑफ किंग, रेगिसाइड्स करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट। अ फिक्स्ड ऑर्बिट इन स्पेस इन रिलेशन टू अर्थ, अ फिक्स्ड ऑर्बिट इन स्पेस इन रिलेशन टू अर्थ, जिसको जियो स्टेशनरी कहते हैं, राइट। पार्ट ऑफ ए कंट्री बिहाइंड कोस्ट आर ए रिवर बैंक, ये है हिंटरलैंड, ऑप्शन बी। अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन हॉर्समैनशिप, नहीं जॉकरी तो वो घोड़े को चलाता है, कैवेलरी मैन जो होता है सैनिक घुड़सवार होता है, अ कैवेलियर जो सेना का घुड़सवार है, लेकिन पर्सन हु इज स्किल्ड इन हॉर्समैनशिप उसको एक्वेस्ट्रियन कहते हैं, एक्वेस्ट्रियन, ऑप्शन सी करेक्ट। अ वर्ड नो लॉन्गर इन यूज, रिपीट हो गया ये, ऑब्सोलेट। और ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ अ डेट और एन इवेंट, क्या कहा जाता है उसको, एनिवर्सरी। और वन हु थिंक्स दैट ह्यूमन नेचर इज एसेंशियली एविल, ऐसा व्यक्ति जो ये सोचता हो कि मानव स्वभावतः बुरा है, उसका ऐसे व्यक्ति को सिनिक कहा जाता है। हाँ जी, ऑप्शन ए करेक्ट है। वन हु सैक्रिफाइसेस हिज लाइफ फॉर ए काज, मार्टर, ऑप्शन बी करेक्ट है। गोलू वाज हेटर ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज, तो वो क्या है, ऐसा व्यक्ति, नहीं, बिब्लियो, बिब्लियो फाइल कहते हैं पुस्तक प्रेमी को, बिब्लियो वास्तव में बिब्लियान है, बिब्लियान कहते हैं बुक को और फिल कहते हैं लव को, तो जो पुस्तक प्रेमी हो उसको। और मिसोजिनिस्ट जानते हैं, जो स्त्रियों से नफरत करता हो, मिसैंथ्रोप जो मानव जाति से नफरत करता हो, मिसोलॉजिस्ट, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। अ शॉर्ट वॉक फॉर प्लेजर और एक्सरसाइज, जी नहीं, गैलप कहते हैं, जो घोड़े चलते हैं अपने दोनों आगे पैरों को उठा उठा, उसको गैलपिंग कहते हैं, स्ट्रोल कहा जाता है, अ शॉर्ट वॉक, हाँ जी स्ट्रोल, ऑप्शन सी। प्रोमिनेंट कहते हैं, देखिए जब सज संवर करके जो है घूमना, प्रदर्शन करना, प्रोमिनेटिंग है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आप लोग वर्ड पावर बढ़ाने का केवल एक तरीका है, डियर, आप जितनी फंक्शनल स्टडी हो कीजिए, मैं देख रहा हूँ आप लोगों के वोकैब बहुत कमज़ोर है। चलिए, एक टीचर बनने के लिए आपके पास जो है वर्ड पावर एक अच्छी होनी चाहिए, और जब आपके पास वर्ड पावर होगी सटीक, 37 का सी है ऑप्शन स्ट्रोल। और अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज नॉट, इम्पोस्टर, हाँ जी, जो व्यक्ति जैसा है नहीं वैसा दिखाने की जो कोशिश करता है उसको छलावा कहते हैं, और इम्पोस्टर।
इनडिफरेंस टू पेन और प्लेजर, ये पहले भी आ चुका है, स्टोइसिज्म, ऑप्शन ए, अपोस्ट विदाउट रेम्यूनरेशन, ऑनरेरी, जी बिल्कुल सही है, अ पर्सन इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स एंड नथिंग एल्स। अरे भाई उसको बुक वर्म कहते हैं। तो द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग ए कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस, इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवादी जिसको कहते हैं, विस्तारवादी, अ कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, पॉलीएंड्री सही है, पॉलीएंड्री, डिबॉचरी कहते हैं व्यभिचार को, पॉलीगैमी बहुविवाह प्रथा को, बाईगैमी कहते हैं दो स्त्रीत्व या दो पत्नीत्व को, वन पजेसेस मेनी टैलेंट, वर्सेटाइल सही है, ऑप्शन बी, दैट इट मेक्स इट डिफिकल्ट टू रिकग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ रियल नेचर ऑफ समबडी और समथिंग, जिसको दिख भ्रम की स्थिति, जिसको उर्दू में खप्तुल हवास कहते हैं, कैमोफ्लाज, करेक्ट है ऑप्शन डी, और टू एग्जामिन वंस ओन थॉट एंड फीलिंग्स, इंट्रोस्पेक्शन बिल्कुल सही है। और तो ये खत्म हो गया, कल तो क्लास नहीं हो पाएगी, आप लोगों को दिवाली की शुभकामना, पटाखे कम फोड़िएगा और